शराब दुकान के स्थान को लेकर रहवासियों ने किया विरोध। अतिक्रमण करके अवैध शराब दुकान खोली जा रही है। आज शराब कल मांस बिकेगा। रहवासी महिलाओं, बच्चियों और यात्रियों को असुरक्षा का भय। रहवासियों ने की शराब दुकान के स्थान परिवर्तन की मांग। उज्जैन के खाच रोड में जावरा रोड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रहवासी क्षेत्र में बिना अनुमति के शासकीय जमीन पर अतिक्रमण करके संचालित होने वाली देसी व अंग्रेजी शराब दुकान जो कि यात्री प्रतीक्षालय के पास खोली गई है, आज शराब दुकान और कल सुबह अंडा मांस भी बिकने लगेगा। अतिक्रमण करके दादागिरी से कब्जा करके शराब दुकान मुख्य चौराहा पर आबादी क्षेत्र में समाज की बुराई, शराब की दुकान नहीं खोली जा सकती। शिक्षक और रहवासियों ने उसका स्थान परिवर्तन करने की मांग प्रशासन से की है। रहवासियों ने बताया कि वर्तमान में जिस क्षेत्र में शराब की दुकान का संचालन किया जाएगा यह प्रतिष्ठित सज्जन व्यक्तियों के निवास का क्षेत्र है तथा उक्त चौराहा जावरा जाने हेतु मुख्य मार्ग है। उक्त मार्ग काफी अधिक चलन में है तथा क्षेत्रवासी महिलाएं सुबह शाम घूमने भी निकलती है तथा उक्त दुकान से 100 फीट दूरी पर आंगनवाड़ी केंद्र भी स्थित है, जिसके कारण वहां इस प्रकार की दुकान का संचालन उचित नहीं है। उक्त दुकान के संचालन से आए दिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसे अपराध बढ़ेंगे एवं पास में यात्री प्रतीक्षालय भी है जिसको शराबियों द्वारा बैठने का अड्डा बना लिया जाएगा। राहगीरों को काफी समस्या का सामना करना पड़ेगा। अतः रहवासियों ने SDM को ज्ञापन देकर शराब दुकान पर स्थान परिवर्तन करने की मांग की है। CID न्यूज के लिए खाचरोड से मुरलीदास बैरागी की रिपोर्ट।